सम्मान योजना पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी योजना के बहाने सरकार पर अपनी नाकामियों को छुपाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के मुताबिक योजना को बगैर किसी रणनीति के लॉन्च कर दिया गया। योजना में बिचौलियों ने घुसपैठ कर ली, तो वहीं सत्तारूढ़ दल का दावा है कि हेमंत सरकार ने महिलाओं का सम्मान किया, इसलिए विपक्ष हत्थे से उखड़ गया। सरकार के मास्टर स्ट्रोक पर सवाल, मैया सम्मान योजना में लूट खसूट, क्या चुनावी स्टंट होगा कामयाब? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जोर शोर से शुरुआत की। महिला सशक्तिकरण को लेकर लाई गई इस योजना के तहत राज्य की 50 लाख महिलाओं को सालाना 12,000 देने का फैसला किया गया, जहां सत्ता पक्ष इसे हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना घोषित कर रही है, वहीं विपक्षी दल बीजेपी योजना की खामियों को उजागर करने में जुटी है। अब आप देखें, इन्होंने बिना किसी तैयारी के इस योजना को लॉन्च कर दिया और अब सारे जगह के सर्वर डाउन है, 4 दिन बीत चुका है, बिचौलिए हावी हैं। मुख्यमंत्री को सामने आकर कहना पड़ा कि साहब बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी का तर्क है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हड़बड़ी में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लॉन्च किया गया। इसमें प्लानिंग से लेकर क्रियान्वयन तक तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसा नहीं मानता। हम क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, हमने क्या दिया, कभी उसका भी हिसाब वो बढ़िया से ठंडे दिमाग से बैठकर ले लें, साथ में अपना मैनिफेस्टो भी खोल लें और 2 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो वादा था नरेंद्र मोदी सरकार का, उसका आकलन कर लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान लूटने वाली है। इनके शासनकाल में कई ऐसी घटनाएं घटी है, इनके लोगों के द्वारा घटी है, जहां महिलाओं का सम्मान लूटा गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना है। इसे लेकर महिलाओं में उत्साह है, इसलिए ये भी सच है कि योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी खामियों और बिचौलियों की शिकायतों के बाद खुद मुख्यमंत्री को बिचौलियों से सावधान रहने की अपील करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट।